वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ विद गज़ल। गोभी गोश्त की जायकेदार सब्ज़ी ऐसे बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ये लिया है 1 किलो गोश्त और हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। चलिए मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। और हमने ये 4 बड़े प्याज लिए हैं। 2 प्याज हमने अलग रखे हैं क्योंकि ये हम काट के गोश्त में डालेंगे और ये बाकी 2 प्याज का हम मसाला तैयार करेंगे। और ये अदरक का टुकड़ा है और साथ ही हमने 3 लहसुन लिए हैं। चलिए गरम मसाला लेते हैं जिसमें हमने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और ये 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। और ये 2 प्याज को हमने इस तरह से कट कर लिया है। हम ये सब्जी कुकर में बना रहे हैं तो चलिए कुकर गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे हम ये गोश्त जो कि हमने पहले ही अच्छे से साफ़ किया हुआ है और वॉश किया हुआ है। गोभी गोश्त की सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये देखिए बहुत जल्दी से बन जाती है। और ये देखिए हमने गोश्त इसमें डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से ही गोश्त ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें डालते हैं ये कटा हुआ प्याज और ये गरम मसाला। मैंने ये 2 बड़े प्याज को इस तरह से कट किया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्याज भी डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज का इस्तेमाल काफ़ी लिमिट में कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त का टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं फटाफट से 1.5 टीस्पून सॉल्ट। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। और हल्दी डालने के बाद भी हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं। आप इसे ढके ना, बस ऐसे ही इसे खुला पकने दें ताकि इसकी स्मेल वगैरह भी निकल जाती है। और फटाफट से तैयार करते हैं हम वो मसाला जो हम इस गोश्त में डालेंगे। ये देखिए मैंने साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने ये 8 से 10 मिर्च ले ली हैं और ये 2 प्याज बड़े कट कर लिए हैं और अदरक भी कट कर ली है और ये है धनिया पाउडर और लहसुन को भी अच्छे से उनकी कलियाँ निकाल दी हैं। और बस हम इसे मिक्सी जार में मसाला तैयार कर लेंगे। हमारा मसाला तैयार हो गया है और बस हम इसे डायरेक्ट इस गोश्त में डाल देंगे और बहुत थोड़ा सा पानी डालकर बाकी बचा मसाला भी इसी में डाल देंगे। और फिर गोश्त में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, जो मसाले का पानी होता है बस वही काफ़ी रहता है। ये देखिए आप इसे अच्छे से चमचे से चला लें और उसके बाद आपको बस ढक्कन लगा देना है और 20 से 25 मिनट के लिए हमें इसे पकाना होगा जब तक हमारा ये गोश्त गल नहीं जाता। तो चलिए सब चीज़ हमने अच्छे से मिक्स कर दी है और ये देखिए हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। चलिए अब लेते हैं हम गोभी। ये 1 बड़ा गोभी का फूल है और हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो चलिए हमने देखिए ये गोभी कट कर लिया है। इसके फूल जो बड़े बड़े से थे उन्हें इस तरह से काट लिया था और ये उसके डंठल हैं, हमने इन्हें भी लंबा लंबा काट लिया है। और वो जो साइड में छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, हमने उन्हें भी बारीक काट लिया है। इससे क्या होता है कि इससे मसाला बढ़ भी जाता है और ये अच्छा भी बहुत लगता है। हाई गैस पर रखेंगे, उसमें डालेंगे 2 गिलास पानी और उस पानी में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और साथ ही साथ 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। और उसके बाद हम इस पानी में डालेंगे ये गोभी जो हमने अभी अभी कट किया हुआ है। फूल गोभी को ऐसे पानी में बॉईल करना चाहिए, चाहे आप गोभी गोश्त की सब्ज़ी बना रहे हैं तब भी। इससे क्या होता है कि इसकी सारी गंद भी बाहर आ जाती है, साथ ही साथ इसके बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। और हमने सारा गोभी इसमें डाल दिया है और आप इसमें उबाल आने देते हैं। और ये देखिए कुकर में सीटियां आ चुकी हैं और 20 से 25 मिनट हो गए हैं और हमारा ये गोश्त गल गया होगा। तो ढक्कन हटा कर देखते हैं, अगर नहीं गला होगा तो हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और फिर से 1-2 सीटी आने तक और पका लेंगे। तो चलिए ढक्कन खुल गया है और देखते हैं कि हमारा गोश्त गल चुका है या फिर नहीं। और ये देखिए हमारा गोश्त गल गया है क्योंकि कुछ बोटियों ने हड्डियों को छोड़ दिया है। ये भी गोश्त के गलने की पहचान होती है। और ये देखिए हम एक बोटी लेंगे और इसे चम्मच से हल्का सा तोड़ कर देखते हैं। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। और ये देखिए गोश्त गल गया है।
तो चलिए अब इस गोश्त को भुनवा कर लेते हैं, यानी कि इसे तरी आने तक पकाना है जब तक इसके मसाले में जाली ना बन जाए। तो चलिए अभी इसमें काफ़ी पानी है तो हम इसे पकने देते हैं। और हाँ, आप अभी इसे का नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो आप इसमें और डाल सकते हैं। ये देखिए हमने लिया है ये एक बड़ा बाउल मटर, ये हरी मटर है और ये हरी मटर का भी हम इस सब्जी में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये गोभी मटर गोश्त की जायकेदार सब्जी बनने वाली है। तो चलिए मटर में डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक, और नमक डालने के बाद हम इसे भी अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए हमारा गोभी भी बॉईल हो रहा है, और ये देखिए कितना साफ़ लग रहा है ना, इसकी सारी गंदगी बाहर आ गई है और इसके सारे बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गए होंगे। और ये देखिए एक तरफ हमारा मटर बॉईल हो रहा है और साथ ही साथ हमारा गोश्त भी भुनवा हो रहा है। ये तीनों काम तीनों गैस पर अच्छे से हो रहे हैं। और ये देखिए ये हमारा गोभी बॉईल हो चुका है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप एक स्ट्रेनर में इसे बाहर निकाल लीजिएगा। और ये देखिए मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, बस ये बहुत ज़्यादा गला भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है। ये देखिए गोभी कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हमारा ये गोश्त भुनवा हो रहा है, बस थोड़ी सी देर और बाकी ये बिल्कुल भुनवा हो जाएगा। और अब देखिए जाली पड़ने लगी है, गोश्त भुनवा हो चुका है। हम इसमें डालते हैं फटाफट से ये गोभी जो कि हमने बाहर निकाला हुआ है, और सारा गोभी हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें सारा गोभी डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे फटाफट से ये बॉयल मटर जो कि हमने अभी अभी बॉयल की हुई है। तो उसके बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, और बस हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, और 10 मिनट के लिए हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इन्हें पकने देंगे। तो चलिए कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। तो चलिए हमने ढक्कन लगा दिया है, और अब हम काट लेते हैं हरी मिर्च और हरा धनिया जो कि हम इस सब्जी में लास्ट में डालेंगे। ये देखिए हम ढक्कन हटाकर देखते हैं, और ये देखिए सब्जी की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए। और ये देखिए हमारा गोभी और मटर अच्छे से गल चुका है, और हमारा ये जायकेदार गोभी गोश्त की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये गोभी, ये देखिए बहुत अच्छे से गला हुआ है, बस हमें ये ऐसा ही चाहिए। तो बस अब हम इस सब्जी में डाल देते हैं फटाफट से हरी मिर्च और हरा धनिया। हरा धनिया डालने से सब्जी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोग धनिया खाना पसंद नहीं करते, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप ना डालें। तो चलिए फटाफट से हमने धनिया डाल दिया है, और बस हमारा ये जायकेदार गोभी गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे करेंगे प्लेट आउट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे साथ रेसिपीज़ विद गज़ल। हम आपके लिए ऐसी नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।